हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आपके सामने मेरी ही बाइक खड़ी है और इसके अंदर भाई हो चुकी है एक प्रॉब्लम, इसका मीटर नहीं वर्क कर रहा। फिर हम आए शिवा भाई के पास और शिवा भाई ने हमें बताया कि इसके अंदर गरारी नीचे जो लगती है वो ख़राब हो चुकी है। फिर मैं जाके दुकान से ले आया हूँ गरारी। तो ये है कुछ भाई दो सेट और शिवा भाई खोल रहे हैं टायर जो कि खुल चुका है। और अब देखते हैं भाई क्या है गरारी की नई कंडीशन। ये कंपनी की गरारी लगी हुई थी भैया, कंपनी वाली है ना ये शायद। अच्छा, अब हम डलवाएंगे ये वाली, ये मेटल की ही है। अब और पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो यही प्रॉब्लम लग रही है, इसका मीटर वर्क नहीं कर रहा था, मतलब स्पीड नहीं आ रही थी। ठीक है, तो एक छोटी सी गरारी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ओडोमीटर बंद हो जाएगा, स्पीड मीटर बंद हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं इस गाड़ी के अंदर, मतलब इस चीज़ से। ये भैया ने खोल दिया पूरा और ये रही भैया नई गरारी। पुरानी गरारी की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये देखो, सबसे घटिया चीज़ मुझे क्या लगी है इन चीज़ की, कि प्लास्टिक की गरारी देती है हीरो कंपनी। 90,000 रुपये की बाइक लो और प्लास्टिक की मिलेगी भाई गरारी आपको। तो इस वजह से सारे काम होते हैं। देखो इसके तो दांत बच रहे हैं, लेकिन इसके दांत ना घिस गए, देखो यहाँ पे। अब मैं इसे ना क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो भैया ने लगा दी है अंदर गरारी, देखो यहाँ पे ये गरारी लग चुकी है। और दूसरी वाली भैया कहाँ लगेगी? लग गई दोनों। दोनों लग गई? हाँ, वेरी गुड। दूसरी वाली दिख नहीं रही है, बट वो रही ना अंदर। अच्छा, यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे ये गरारी है, दूसरी ये वाली है। और ये देखो भाई, 90,000 रुपये प्लास्टिक की गरारी दे रहे हैं यार। मैं मार्केट से लेके आया, 40 रुपये में मुझे मेटल की गरारी मिली है। और ये देखो इसके यहाँ पे ना, हाँ वही मेटल लोहे की। और ये देखो यहाँ पे ये दांत घिस चुके थे इसके, तो इस वजह से स्पीड मीटर नहीं दे रहा था। मतलब हीरो को ना इस चीज़ पे काम करना चाहिए भैया। वैसे पुरानी बाइकों के अंदर तो वैसी आती होगी ना मेटल वाली? हाँ, लोहे की। कंपनी पैसे पैसे बढ़ाती जा रही है, क्वालिटी घटाती जा रही है, ये बहुत गलत चीज़ है। तो अब ये हो चुका है फिट। तो ऐसे करके आप भी अपनी स्प्लेंडर, सीडी डिलक्स या पुरानी कोई भी बाइक हो जो BS4 हो और जिसमें ये सुई वाला मीटर बोल लो या एनालॉग मीटर जिसको बोलो, ये वाला मीटर हो, और इसमें अगर कभी भी स्पीड की कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्पीडोमीटर वर्क ना करे, तो आप ये गरारी सिंपल सी ले लो और करवा लो। ठीक है, तो इससे आपकी जो भी गरारी है, स्पीडोमीटर ठीक हो जाएगा। मेरा सारा काम कहाँ होता है आपको भी पता है, CVZ का भैया ने इंजन बांधा था, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो यहीं पर मैं दोबारा आया हुआ हूँ। ये मुड़ गया भैया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? ये ठीक हो गया, हो गया ठीक। फ्रीजाइल होता है, मतलब थोड़ा सा नाजुक टाइप का तार होता है, बट अच्छा काम कर जाता है। अच्छा, तार वार इसके अंदर अभी तक कुछ ख़राब हुआ नहीं है। और ये है स्प्लेंडर, बढ़ रही है स्पीड भैया, देखो स्पीड बढ़ रही है, देख रहे हो भाई, लोहे की गरारी का कमाल। तो अब ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, होप सो। तो देखो ये देखो पुरानी गरारी देखो यार, शर्म आनी चाहिए भाई हीरो कंपनी को। ये पता नहीं क्या की ग्रीस लगी हुई है, मेरे हाथ में भी लग चुकी है, कि प्लास्टिक की गरारी देते हैं। तो ये बेकार चीज़ है भाई, बिल्कुल बेकार। मैं इसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब सजेस्ट क्या है यार, ओके है चैन लगती है, मतलब कहीं गड्ढे वड्ढे में जाती है ना, खटर खटर। चैन सेट तो नहीं मांग रही भैया अभी, ये वो तो पता ही नहीं होगा, खोलना पड़ेगा ना। ये कुछ हिसाब किताब है भाई। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसके अंदर आप अपनी बाइक के अंदर सारा काम करा सकते हो, मतलब स्पीडोमीटर से रिलेटेड कोई सा भी छोटा सा भी इशू हो, तो पहले आपको नीचे की गरारी चेक करनी है। और एक चीज़ और है कि अगर जैसे मान के चलो आपको पता है गरारी चेक कैसे करनी है, तो इसको यहाँ से ना तार, ये जो वायर है इसको निकाल लेना स्पीडोमीटर वाली को, और इसका जो अंदर वायर निकलेगी उसको थोड़ा ट्विस्ट करना। यहाँ पे अगर मूवमेंट दिखती है तो समझ जाना कि गरारी की प्रॉब्लम है, और मूवमेंट नहीं दिख रही है तो वायर की प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं दिख रही है तो ऊपर मीटर में प्रॉब्लम है। तो तीन तरीके से प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारी गाड़ी हो चुकी है पूरी फिक्स, 40 रुपये की मतलब कॉस्ट आती है एक मेटल की गरारी की, और इसकी कॉस्ट कितनी, 10 रुपये, 30 रुपये बचा के कंपनी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपये बचा रही है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है इतनी, मतलब यार दो तो फिर ढंग की चीज़ दो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है। तो यहीं करता हूँ वीडियो का एंड, होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। जो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।